नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल YRB ग्रुप में। दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल घंटी जो बना हुआ है उसे भी दबा दें, हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो आज हम बात करेंगे CRS के ऊपर। CRS होता क्या? एक्चुअल में इसमें हम इससे पहले भी वीडियो एक बना चुके हैं CRS के ऊपर, जब झंझारपुर जंक्शन पर CRS हुए थे उससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था CRS होता क्या उसके बारे में। तो आज हम फिर यहाँ पे वीडियो CRS के ऊपर फिर से बना रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ पे तमोरिया स्टेशन तक, झंझारपुर जंक्शन से तमोरिया स्टेशन तक CRS होने वाले हैं। तो इसलिए आपको हम बता दें कि CRS होता क्या है, क्यों किया जाता है CRS। तो देखिए पूरा हमारे इस वीडियो में। तो दोस्तों तमोरिया स्टेशन का अभी तक CRS का डेट अभी आया नहीं है, लेकिन हम आपको बता दें कि CRS में होता क्या है। दोस्तों CRS होता है कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी, CRS, जो भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया गया एक ऊंचे पद का ऑफिसर होता है। वो यहाँ पे आते हैं इंस्पेक्शन करने के लिए, जांच करने के लिए, यहाँ पे जितने भी काम हुए वो किस प्रकार किया गया है, इसमें किसी भी तरह की कोई घोटालेबाजी तो नहीं हुई है या कुछ काम गड़बड़ तो नहीं हुआ। इसलिए CRS जो ऑफिसर होते हैं वो यहाँ पर ख़ास करके पुलों को, ब्रिजेस को, रेल ट्रैक को, इन सभी चीज़ों को चेक करते हैं, देखते हैं जो पुलों के पास जो भी काम हुए, रेल लाइन बिछाए गए हैं, डस्ट ब्लास्ट वगैरह, और जो ब्रिज है वो कंक्रीट किस प्रकार से बनाए गए वो सब चेक करते हैं। रेल लाइन में भी चेक किया जाता है, रेल पटरी सही से बिछाए गए कि नहीं, दोनों रेल की दूरी कितनी रखी गई है, रेल के साइड में जो मिट्टी डाले जाते हैं रेल के सेंटर से चार साढ़े चार मीटर के आसपास में, वो बराबर है या नहीं। इससे पहले जब आए थे CRS झंझारपुर की तरफ तो उसमें 2 से 3 बार डेट को पोस्टपोन करना पड़ गया था, और जिस दिन CRS हुआ था उस दिन जो चीफ इंजीनियर और डिप्टी जो थे, डिप्टी उनको यहाँ पे खरी खरी बात भी सुननी पड़ी, क्योंकि CRS ऑफिसर थे उन्होंने कुछ गड़बड़ी यहाँ पे पाई, मिट्टी जो साइड में कम उन्हें पड़े हुए दिखे, इसलिए उन्हें बात भी सुननी पड़ गई। अब यहाँ पे जो CRS होंगे, अब यहाँ पे देखा जाके कि ब्रिजेस के काम किस प्रकार हुए हैं, गुमती के पास रेल ट्रैक को ठीक से किया गया नहीं, स्लीपर ठीक से बिछे हुए नहीं, ये सभी चीज़ों को वो चेक करते हैं, जिसकी वजह से भविष्य में कोई दुर्घटना ना हो जाए। जो ट्रेन का लोड जो हज़ारों किलो टन का होता है वो यहाँ पर सह सकता है या नहीं, भविष्य में इसे कोई गड़बड़ी तो ना हो जाए। अगर ऐसा कुछ होता है गड़बड़ी तो इसका पूरा रिस्क CRS ऑफिसर के ऊपर आ जाता है, इसलिए CRS ऑफिसर को नियुक्त किया जाता है ताकि उसे चेक कर सके, इसके बाद ही इसका फाइनल डेट ट्रेन परिचालन के लिए दिया जाता है। अगर इसमें कोई गड़बड़ी लगती है तो फिर से इसे पोस्टपोन करके डेट को आगे बढ़ा दिया जाता है, और यहाँ पे फिर से समय दिया जाता है इस लाइन को ठीक करने के लिए। तो थैंक यू दोस्तों हमारे वीडियो देखने के लिए, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते, इस वीडियो को जरूर शेयर करेगा। मिलेंगे आपको हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।